हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आप लोगों के लिए एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो आ चुकी है। तो गाइस, आज हम बिताने वाले हैं 24 घंटे इंडिया के सबसे महंगे यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव होटल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जिसका एक दिन का किराया हम लोगों को पड़ रहा है लगभग 3 लाख रुपए के आसपास। तो गाइस, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का जो इंडिया का सबसे महंगा होटल है पूरे इंडिया का, वो दिखता है कैसा, उसके अंदर जाकर एक्सपीरियंस होता है कैसा, वहाँ पर खाना पानी मिलता है और बेसिकली क्या चीज़ उसके अंदर ऐसी है कि वो 3 लाख रुपए उसके लिए चार्ज करते हैं, और क्या 3 लाख रुपए वर्थ इट भी है या नहीं है, और इससे महंगे रूम्स भी वैसे वहाँ पर, यानी एक दिन का किराया आप 3-4-5 लाख जितना आप देना चाहो उतना दे सकते हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं 24 आवर्स, वैसे तो ये बहुत अच्छे वाले होने वाले आई होप। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। कहीं जो कुछ करते हैं आपको एक नया सा टेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। तो आप लोग भी प्लीज वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, हम लोग हैं फिलहाल जयपुर के अंदर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और गाइस, जो होटल यहाँ पर है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उस होटल का नाम है होटल रामबाग पैलेस। और ये जो रामबाग पैलेस है, ये कोई आम 5-स्टार लग्जरी होटल बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ के जो राजा थे, जो इसमें रहा करते थे महल के अंदर, उन्हीं का ही रेजिडेंस है, उन्हीं का ही महल था बेसिकली। और बाद में इसको एक होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर के ये जो है एक राजमहल ही है। और मेरे पीछे ये जो है पत्रिका गेट है, इसको देखकर भी आप समझ गए होंगे हम जो है पिंक सिटी में है, इसका कलर भी पिंक है। चारों तरफ यहाँ पर जहाँ जो है नज़र जाती है वहाँ पर पिंक कलर का दिखता है। तो भाई, अब जो है चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का हमारा होटल है और कैसा नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या लग्जरी मिलेगी। और अक्सर जो है इन होटल्स को 7-स्टार होटल भी कहा जाता है, क्योंकि 5-स्टार से कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि रॉयलिटी, लग्जरी, ये सब। तो देखते हैं भाई 7-स्टार का कैसा मज़ा आता है। चलो, दोस्तों लगभग 11:30 बज चुके हैं और 12 बजे हमको होटल पहुंचना है, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और हम बिल्कुल भी टाइम बाहर वेस्ट नहीं करना चाहते, पूरे 24 घंटा रहना चाहते हैं, पूरा पैसा वसूल करके देखना चाहते हैं। चलो, दोस्तों यहाँ से लगभग 10 मिनट पे जो है रामबाग पैलेस आने वाला है। और ये जो होटल है ना, ये ताज ग्रुप के द्वारा मेंटेन किया जाता है। जो ताज होटल्स है वही इसको भी जो है संभालते हैं। पहले ये राजा का महल था, लेकिन बाद में इसको जो होटल बना दिया गया और ताज ग्रुप जो है उनको दे दिया गया। तो भाई साहब, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और देखते हैं किस तरीके का रॉयल ट्रीटमेंट गाइज हमको मिलता है। आई डोंट नो, गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। तो गाइज, यहाँ पर हम रामबाग पैलेस के अंदर एंटर कर चुके हैं और बहुत बड़ी जगह पर ये फैला हुआ है। तो गाइज हम एंटर कर चुके हैं, हमारा टाइम भी शुरू हो चुका है। और यार क्या मतलब जबरदस्त फील है इसके अंदर आते ही, एक अलग ही जो है मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। तो गाइज हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और गाड़ी जो है वो पार्किंग में जा रही है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। और आप लोग देखो गाइज, बिल्कुल अलग यहाँ पर फील आ रही है। बढ़िया, बुकिंग हो रखी है अमित शर्मा के लिए। आप कैसे गाइस, हम लोग जो है होटल के अंदर आ चुके हैं फिलहाल। कैसा लग रहा है? एकदम महाराजा वाली फीलिंग आ रही है गाइस, वास्तव में महाराजा वाली फील आ रही है। हम लोग तो ऐसे ही सो के उठ के आए थे और यहाँ पर जो बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। Yeah.
इस तरह से कितनी हो आप दोस्त? So Mr. Khatib, he'll be taking care of for everything. गाइज ये रीना जी हैं और इन्हीं से मेरी बात हुई थी. इन्होंने हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया. इन्होंने सारी चीज़ें बताई मुझे यहाँ पर क्या क्या है और इसकी क्या खासियत है बेसिकली पूरे जो रामबाग पैलेस है उनकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और वहीं से जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा बनने लग गया. थैंक यू सो मच अगेन. इस रूम में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग फिलहाल इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव होटल के रूम के अंदर आ चुके हैं. अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे और सबसे पहले जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है. चलो एक दो मिनट दो मुझे, इसके बाद में आपको सब कुछ बताते हैं. दोस्तों मैंने अपनी YouTube जर्नी अपने कॉलेज के साथ स्टार्ट करी और IIT से जॉब ऑफर्स होने के बाद भी मैंने अपने चैनल पे काम किया, यानी कि अपनी एक्साइटिंग जर्नी अपनी मर्जी से स्टार्ट करी. दोस्तों ऑब्वियसली इस टाइप की वीडियोस बनाने में काफी पैसा भी लगता है, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हम जो काम करते हैं उससे पैसा भी कमाते हैं और वो करने में मजा भी आता है ना. तो भाई अगर आप भी अपने कैरियर में कुछ ऐसा ही एक्सेप्शनल करना चाहते हैं तो चेक आउट रीलेवल बाय अनअकैडमी. रीलेवल इंडिया का फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है. दोस्तों हम लोग सर कंपनीज के पीछे पीछे भागते रहते हैं जॉब्स के लिए और अपनी जो रेज्यूमे है और जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से कई बार अपनी जॉब के साथ में और करियर के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. पर रीलेवल पर आप अपना करियर खुद चूज कर सकते हो, ना कि कोई कॉलेज डिग्री ना कि कोई रेज्यूमे. और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर कंपनीज आपको खुद रीच आउट करेंगी आपके स्कोर के हिसाब से. आप अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हो. यहां पर नॉन टेक रोल्स के लिए 4 लाख और टेक रोल्स के लिए 6 लाख रुपए मिनिमम ऑफर है. और खास बात यह है कि इस कैंडिडेट को क्रेड ने 40 लाख रुपए का जॉब ऑफर किया है. दोस्तों रीलेवल पर सारे टेस्ट एकदम फ्री हैं और यहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में अपना टेस्ट बुक कर सकते हो और अपनी डेट भी चूज कर सकते हो. दोस्तों यहां पर अपग्रेड जूम का रेजोर पे जैसी कंपनीज भी हायर कर रही है और खास बात यह है कि सिर्फ 7 से 15 दिन में जॉब पे लग जाती है. तो गाइस आप भी अब भी रीलेवल पर अपना टेस्ट बुक करो और अपने कैरियर को अपने हिसाब से शेप करो. तो गाइस ये है हमारे रूम का गेट. गेट को आप लोग देख सकते हो, जो साइज है अपने आप में वो ही काफ़ी बड़ा है. पूरा लकड़ी का बना, एकदम रॉयल, एकदम लग्जरी टाइप के जो है लग रहा है देखने में भी. अंदर चलते हैं गाइस. ये देखो सारा जो एक्सपी अपना कार्ड तो अंदर रह गया. क्या करें यार, इतना महंगा रूम है और फंस गए हम लोग. तो हमारे रूम की दूसरी चाबी आ रही थी, तब तक हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं खुले में. और ये जो है इस पूरे महल का एक व्यू आप लोग देख सकते हो. चारों तरफ यहाँ पर जो है रूम्स हैं और अभी तो होटल में रूम्स हैं, पहले महल के ये कमरे थे. तो गाइस कीज़ हमारे पास में आ चुकी है और अब आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा. तो गाइस स्वागत है आपका भारत के सबसे महंगे होटल रूम के अंदर. और ये जो कमरा जिसमें हम रुके हैं इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, वो भी आपको बताएंगे कि किसका रूम था राजाओं के टाइम पर, तो वो भी आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले आपको एक बार पूरा जो महल है वो दिखा लेते हैं. हमारा टाइम ऑलरेडी चालू हो चुका है तो हम लोग कल तक यहीं पर रहने वाले हैं, आपको सारी चीजें दिखाने वाले हैं. तो गाइस यहीं पर ही राजा महाराजा रहा करते थे. फिलहाल ये जो है ना पूरा एयर कंडीशन है, ठंडी ठंडी जो है यहाँ पर लग रही है क्योंकि एसी जो है वो चालू है. चलो दोस्तों ये जो रूम है ये यहाँ के राजा मानसिंह जी की वाइफ जो थी जिनका नाम गायत्री देवी था, उनके बेटे का कमरा था एक्चुअली में. जिस रूम में फिलहाल हम लोग अभी आए हैं ये एक राजकुमार का कमरा था, जयपुर के राजा का ही कमरा था गाइस ये. तो अब यहाँ पर हम आपको सारी चीजें दिखाने वाले हैं. यहाँ पर ये एक टेबल है जिसके ऊपर 2-2, 4-1, 5 लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं. ये देखो 5 चेयर्स हैं बट इस रूम की कैपेसिटी 2 की है. और यहाँ पर जो है हमारे लिए फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए हैं, जिसमें कि भाई साहब हमारे लिए बनाना है, हमारे लिए जो है ऑरेंज है, हमारे लिए एप्पल्स हैं, यहाँ कीवी भी रखा हुआ मुझे दिख रहा है और बीच में कुछ और है. और गाइज इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं. तो भाई साहब इस कुर्सी पर बैठ कर देख ही लेते हैं. दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हमारे लिए एक लिफाफा भी दिया है जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, अमित शर्मा साहिब, ऊपर लिखा है रामबाग पैलेस. और गाइज इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना
वो अपने आप को एक बहुत ही जो है अलग से एक्सपीरियंस देती है। दोस्तों यहाँ पर ये एक मिरर लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा जो है डेकोरेटेड है कहीं ना कहीं, और आप लोग मुझे अभी मिरर में देख रहे हैं और इतना क्लीन है ये कि देख करके पता ही नहीं लगता कि मिरर जो है बीच में कुछ है भी, ऐसा लगता है कि आर पार ही है साफ साफ। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कि कुछ वाइन वगैरह रखी हुई है। गाइज मैं तो पीता नहीं तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी वाली है, आप लोग देख लेना। ये पत्ते हैं सूखे, अरे इसमें खुशबू आ रही है, बहुत तेज आ रही है गाइज। इस पूरी के अंदर यही भरे हुए हैं। ओहो, इधर पे सोफा है, इधर पे सोफा है, और इधर पे गाइस एक टीवी लगा हुआ है जिसमें बार बार में ताज लिखा हुआ आता है। दोस्तों यहाँ पर इस टीवी के अंदर जो है नई नई चीजें दिख रही हैं बार बार, और ऊपर की तरफ देखो गाइस यहाँ पर ये एक झूमर लगा हुआ है। दोस्तों ये एक गार्डन व्यू रूम है, और ये जो महल है ये इसके जस्ट बगल में, मतलब ये हमारा लिविंग रूम है, इसके जस्ट बगल में ये अपने लिए स्पेस है, और ये जो है सामने गार्डन का व्यू है। गई सोचो कि किसी राजमहल के अंदर हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं। यार मैं तो सोने का मन कर रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग बाहर निकल चुके हैं यहाँ पर थोड़ा सा टहलने के लिए, और आप देख सकते हैं पैलेस उधर है, और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा माहौल है, एक पूरा गार्डन टाइप है ये, और उसको बहुत प्रॉपरली मेंटेन किया गया है। ये स्टीम रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है और इसके अंदर ही जो फूड है वो सर्व होता है, और यहाँ पर एक छोटे से फैन भी हमें मिल चुके हैं। आपका नाम क्या है? अक्षय। पास आके बताओ क्या नाम है? अक्षत। अक्षत इनका नाम है, अक्षत के फादर भी यहाँ पर हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दोस्तों ये जो है मेन पैलेस है, होटल है, और आप लोग देख सकते हो कि ये जो है कितना ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैं आपको यहाँ पर फ्रेम में आके दिखाऊं तो आप लोग देख ही सकते हो। इस साइड में गार्डन है जिसमें वहाँ पर एक फाउंटेन यानी कि एक फव्वारा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम घोड़ा गाड़ी की राइड करने वाले, टांगा राइड यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि राजा महाराजा को लेके आता था। तो गाइस यहाँ पर हम लोग टांगे के अंदर आ चुके हैं। टांगा ही बोलते हैं इसको, हॉर्स कैरेज बोलते हैं इसको। गाइस इसको टांगा नहीं बोलते, इसको बग्गी बोलते हैं, और इसको हॉर्स कैरेज भी बोलते हैं। इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, ये सफारी से भी ज्यादा है। कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों ये है एक विंटेज कार जो कि यहाँ पर जो महारानी गायत्री देवी जी थी वो यूज लेती थी। ये मर्सिडीज की कार है, कौन सा मॉडल है? 1961 मॉडल है, यानी कि 60 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। गाइस कोई रेप्लिका नहीं है, ये ओरिजिनल महारानी जी की ही कार है। अभी हम लोग इस गाड़ी की गाइस राइड करने वाले हैं, 60 साल पुरानी मर्सिडीज जो कि राजा महाराजा यूज़ करते थे, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो स्टीयरिंग ही कुछ अलग है भाई साहब। ये सर होल्ड कर रहे हैं, इसको रॉयल फैमिली यूज किया करती थी। कितने गियर्स हैं इसमें? इसमें 4 1+। अच्छा, एक रिवर्स का, 4 फॉरवर्ड के। 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलती है। अरे वाह, ऑल टेक्नोलॉजी है सर। हां ये तो है, पेट्रोल पे चलती होगी गाड़ी। हां अभी चल रही होगी, बहुत बड़ी बात है। हां ये भी है यार, 60 साल से ज्यादा होगी भाई साहब चल रही है। 1937 का मॉडल जी, ये भी वर्कशॉप में। तो उस टाइम में ये गाड़ी कितनी की आती थी भाई साहब? ये सर मर्सिडीज कंपनी इसको वापस ले रही है, 2 गाड़ी दे रही है नई मॉडल। अच्छा, नया मॉडल टॉप क्लास 2 का, मतलब इसको एक को लेके। हां बोला यहां पे। अच्छा नहीं, वो तो कैसे दे देंगे बताओ, ये तो महारानी की गाड़ी है। भी यूज किया करती थी। हां वही तो, एयर कंडीशनर कार जो इंडिया में आई थी वो भी इन्हीं के पास थी, अमर। अच्छा जी, इसको तो आप ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड पे चलाते हो इसको? जब रैली में लेके जाते हैं तो 60 चलती है।
अभिजीत सिंह महाराज पृथ्वीराज सिंह जी सर, थैंक यू सो मच हमें घुमाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर जो विंटेज कार है वो जा चुकी है वहाँ पर मर्सिडीज, और सारे लोग जो है वो कहीं 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 जो है घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो भाई हम लोग तो 24 आवर्स का चैलेंज यहाँ पर ले चुके हैं कि हमको तो यहीं रहना है, और बाकी लोग जो है ये मस्त जयपुर में घूम रहे हैं सुबह से, क्योंकि इनको जो चैलेंज है वो नहीं करना है, तो क्या करें यार। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मज़ा तो हमको भी बहुत आ रहा है, भले ही हम एक जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि यार ये एक जगह इतनी बड़ी जगह है, राजा महाराजा की जगह है, क्या दिक्कत है बताओ। तुम बाहर घूम रहे हो, हम अंदर घूम रहे हैं, लेकिन हम बंधे हुए, हमारे हाथ गाइस बंधे हुए, इनके हाथ और पैर खुले हुए हैं। तो भाई कैसा लग रहा है भाई? मस्त, बहुत बढ़िया। घूम रहे हो हैं? दोस्तों वैसे तो कैमरा में नहीं दिखेगा, लेकिन इतना बड़ा कमाल है, सब लोग दिख रहे हैं। ये कीज है गाइस, ये कमरों की चाबियां हैं, देखो यहाँ। दोस्तों ये यहाँ का बाथरूम है, और आप लोग देखिए यार गाइस, जो बाथरूम है वो भी इतना लग्जरी बना रखा है। ये यहाँ पे जो है मिरर्स है, और गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो ऐसा कुछ मैं सोचना, हम लोग ही हैं, खाली पड़े रहते हैं यार रात तक, कितने लोग हैं यहाँ पे। दोस्तों हम लंच के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, और थोड़ा सा लेट हो गए हैं अंदर की चीज़ें आपको दिखाने के चक्कर में। और ये जो है ना भाई साहब, शानदार बना हुआ है एकदम, आप लोग देखो कि मतलब जहाँ पर देखते हैं एक अलग ही फील आती है एक्चुअली। दोस्तों यहाँ पर ये जो चम्मच और ये जो नाइव्स हैं ये सिल्वर के हैं। यहाँ पर हमने दाल बाटी चूरमा जो है वो मंगवाया था लंच में। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का जो है एक काफ़ी फेवरेट मील होता है, जिसके अंदर दाल बाटी और चूरमा तीनों चीज़ें होती हैं, जो कि यहाँ पर आ चुकी हैं। ये बाटी होती है, चलो शुरू करते हैं गाइस। तो भाई साहब बाहर घूम के आ चुके थे, ठंड लगने लग गई, जैकेट पहन लिया है, और अब आपको दिखाने वाले हैं पूरा रूम गाइस। अब तक हमने आपको पूरा रूम नहीं दिखाया था, बाहर हम लोग जो है थोड़ा घूमने चले गए, गाड़ी वाड़ी देख ली, बग्गी देख ली, और चांदी की चम्मच से खाना भी खा लिया। बाद में मैंने नोटिस किया, इधर आओ एक बार गाइज, यहाँ पर ये जो बॉटल रखी थी ना, ये दारू वाली हमारी, इसके पास, हमारी नहीं मतलब यही रखी थी, इसके ये जिस प्लेट में रखी हुई है ना गाइज, ये सिल्वर की प्लेट है, ये चांदी की प्लेट है, और ये काफी मोटी चद्दर है भाई, मेरे हिसाब से लगभग इसमें आधा किलो से ज्यादा वजन तो होगा। गाइज अभी हम जब डिनर करने जाएंगे ना, तो वहां पर गोल्डन होंगे, यानी कि सोने की कटलरीज होगी, सोने के बर्तन वगैरह होंगे, आई डोंट नो क्या क्या तगड़ा फील होगा। तो गाइज अभी हमने आपको जो पूरा का पूरा जो ये हमारा रूम है ये नहीं दिखाया है, अभी आपने सिर्फ ये वाला पार्ट देखा है, ये जो है लिविंग एरिया है। अब चलते हैं अंदर वाले की तरफ, आ जाओ गाइस। यहाँ पर ये जो है एक बाथरूम है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ये वाला बाथरूम है किस तरीके का, एकदम रॉयल सा है ये, और आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, टॉवल वगैरह ऑब्वियसली है, लेकिन देखो एक बार डिटेलिंग देखो इसमें रखे हुए हैं, देखो क्या मस्त, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ डिजाइन बना हुआ है। रामबाग पैलेस होटल है वो, ताज होटल के पास में ही है, और ताज ग्रुप ही इसको ऑपरेट करता है। तो कुछ ऐसा साबुन है, क्या खुशबू है यार इसकी गाइस, इस साबुन के अंदर हाँ 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 पूरे उस एनवायरनमेंट में खुशबू सी फैली, इसमें इसको जो है इसमें रख देते हैं। बाकी यहाँ पर हमारी टॉवल्स वगैरह है, यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनी है, बाथरूम के अंदर पेंटिंग्स है, इधर पे जो है सीट वगैरह है, रूम के अंदर फोन भी है,
बिल्कुल बज रहा है भाई, घंटी जा रही है, इधर से डायल भी कर सकते हैं। 6 नंबर पे मिलाना है, उन्होंने बताया था, अगर कुछ दिक्कत हो तो चलो बैठ के कॉल कर सकते हैं। क्या? हाँ ये सही है गाइस, जस्ट आपको दिखाने के लिए इस पे बैठ के और ऐसे अपन जो है करते करते भी बात कर सकते हैं। ये है गाइस बेडरूम, स्वागत है आपका महारानी के बेटे के यानी कि राजकुमार के बेडरूम के अंदर। गाइस ये पूरा उसी से ही कनेक्टेड है और अभी आपको पूरा एक साथ भी दिखाएंगे, बट यहाँ पर आप लोग देखो यार क्या मस्त नजारा है भाई साहब। देखो एक बार, हर जगह जो है पेंटिंग वगैरह बनी हुई है और ये देखो ये उभरा हुआ है, ये एकदम फ्लैट नहीं है, उभरा हुआ है। यहाँ पर भी जो है ये उभरा हुआ है, यहाँ पर छोटी छोटी हमारे पास में दराज है जो कि उससे इस तरीके से खुल जाती है। यहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ है गाइस, देखो ये देखो गाइस, धरती गोल है और धरती घूम रही है और धरती पत्थर की बनी हुई है यहाँ पे। तो कम से कम एक महाराजा के लिए है, एक महारानी के लिए है एक्चुअली में। हाँ भाई जो मैं तो अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी महारानी कहाँ है यार, अभी तो मैं ही हूँ भाई। रॉयल वाला एकदम लग्जरी वाला सोफा सेट है और एक टेबल है, एक बहुत पुराने जमाने की घड़ी है, एक नहीं है दो है इनफैक्ट। ये दोनों अलग अलग टाइम क्यों बजा रही है भाई, ऐसा तो नहीं है कि गाइज एक चीज देखिए आपने, ये लंदन का टाइम है और ये न्यूयॉर्क का टाइम है। यहाँ पर लगभग 8:30 के आसपास बजे हैं शाम के, लंदन में बजे हैं गाइस कितने बजे, 2:35 और न्यूयॉर्क में हो रखा है 9:45 के आसपास। ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी दोस्तों। यहाँ पर ये पुराने जमाने के स्विच का सिस्टम है, बिजली वाला। यहाँ पर जो स्विच है वो हमारे जैसे बटन नहीं है, यहाँ पर ये स्विचेस हैं। गाइज ये बुक लिखी गई है गायत्री देवी ऑफ जयपुर के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्रिंसेस रिमेंबर्स। क्या बात है, यहाँ पर एक लॉकर है, ये एक तिजोरी है जो कि कुछ ऐसे खुलती है, या इसको टेस्ट करते हैं। टू लॉक एंटर 4 to 6 डिजिट एंड प्रेस लॉक, यानी कि मान लो कि मैं 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ, लॉक कर देता हूँ, हो गया। देखिए अरे वाह लॉक हो गया गाइस। खोलने के लिए फिर से डालते हैं 1 2 3 4 5 6 आवाज आ रही है। ये देखो ये खुल गया, अंदर आ जाओ गाइस। ये है भारत के सबसे महंगे होटल का बाथरूम गाइस। ये असली सोने की थी, अभी भी ये गोल्डन है, गोल्ड प्लेटेड है, ये रियल गोल्ड ही है ऊपर ऊपर तो कम से कम। भाई सब क्या क्या दिखाऊं यार, आज बहुत दिन बाद मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि भाई क्या क्या दिखाएं और क्या छोड़ें। यहां पर ये एक छोटी सी टोकरी है फ्रूट्स वगैरह के लिए और यहाँ पर कछुए के ऊपर मेंढक बैठ के उसको घोड़े की तरह चला रहा है। भाई साहब अब मन किया कि डिनर से पहले थोड़ी सी चाय या कॉफी हो जाए, उसके बाद में 1-2 घंटे बाद में डिनर कर लेंगे। यहाँ पर है चाय की प्याली और ये है चाय बनाने का गाइस पूरा जुगाड़ इस पेटी के अंदर। ये ब्लैक टी है, ये जो है गाइस लेमन टी है और इधर जो है कुछ क्रीमर्स हैं, अमूल के कुछ क्रीमर्स हैं, तो इनको डाल करके आपकी चाय में दूध का इफेक्ट आ जाएगा। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए और गाइज खास बात यह कि अब हम जा रहे हैं स्वर्ण महल। स्वर्ण महल की खास बात यह है कि सोने के बर्तनों में जो है खाना परोसा जाता है, यानी कि गोल्ड प्लेटेड कटलरी के अंदर जो है हम खाना खाने वाले। आई डोंट नो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, आपको भी दिखाते हैं और देखते हैं कि भाई राजा महाराजाओं के जो ठाट बाट होते थे वो कैसे होते थे। चलो तो गाइज हम लोग हैं फिलहाल स्वर्ण महल के अंदर और यहाँ पर आप लोग देखो जो बर्तन वगैरह हैं वो भी यहाँ पे इस गोल्डन थीम के अंदर हैं। ये एक्चुअली में गोल्ड प्लेटेड है, पहले के टाइम में ये एक्चुअली में गोल्ड के होते थे लेकिन अभी जो है ये गोल्ड प्लेटेड है, इनके ऊपर सिर्फ सोने की परत है, बट देखने में जो है एकदम सोने जैसा ही लगता है और इवन ये सोना ही है। तो गाइज यार यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हुई है जो कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, जो कि है यहाँ पर
देखो ये दिखाओ भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, इनको कैसे पता चला। मतलब हम तो सोच रहे थे कि हम 24 घंटे यहाँ रहेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। बट जो भी है आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर केक है। तो गाइज किशन जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने इतने प्यार से भी खिलाया तो वो भी कहीं ना कहीं उस पूरे एक्सपीरियंस में एक ऐड ऑन कर देता है। तो गाइज क्रेजी का केक आप लोगों के लिए, अरे गाइज आप लोगों के लिए, लेकिन आपके नाम पे मैं भाई को खिला देता हूँ। और यार मतलब सही बताऊँ, 12 बज चुके हैं, रात के आधा टाइम हो चुका है, और इतने अच्छे 12 घंटे जिंदगी में कभी नहीं निकले। मतलब सब कुछ अलग है यार, सब कुछ ऐसा कि कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जा रहा है। गाइज रात का 1 बज चुका है और खाना वाना काफ़ी लेट हो गया, हमको लगभग 2 घंटे वहाँ लग गए स्वर्ण महल में, जहाँ पर गोल्ड प्लेटेड कटलरी के अंदर हमको जो है खाना खिलाया गया, और खाना एक नंबर था, और सरप्राइज भी गाइज बहुत बढ़िया था। तो अब जो है बहुत ज़्यादा थक गए, सिर्फ अब जो है सोना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। अब जो है आप लोगों से सुबह उठ के बात करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद में आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, सुबह आपसे मिलते हैं। 6.5 hours later गुड मॉर्निंग गाइज, हम लोग उठ चुके हैं, और उठे हुए गाइज मुझे लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, और मैंने कैमरा उठा के रिकॉर्ड करना भी चालू कर दिया है। थोड़ी सी ठंड है जयपुर में, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी, लेकिन फिर भी भाई साहब थोड़ी बहुत ज़रूर से लगी है। और ये देखो इधर पे ये कौन सी राजा महाराजा की ड्रेस नहीं ये राजा महाराजा कम भूत वाली ज्यादा लग रही है। यार एक बात बताओ, इतना मजा आज तक अपने को किसी भी चैलेंज में या किसी भी चीज में आया नहीं आया। भाई ये तो चैलेंज ही नहीं था, मतलब ये तो जिसको भी करना है कर लो ये चैलेंज। तो गाइस आज हमको वो फीलिंग आ रही है जैसे वो कोई बिलियनर कोई करोड़पति अरबपति हो, और वो अपने आराम से होटल के अंदर जो है इस तरीके से खड़ा हुआ हो। बॉडी लोशन, अरे वाह। एक बार जस्ट मैं आपको फटाफट से जो है बाहर का व्यू दिखाना चाहूंगा। ये है गाइज हमारा महल, दिन हो चुका है, क्या मस्त दिख रहा है यहाँ पे गार्डन व्यू। इधर से जो है गार्डन दिखता है, इधर से गाइज गार्डन दिखता है, क्या बात है। मेरे पीछे गार्डन, सूरज की रोशनी आ चुकी है, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उठते ही मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को ठंड लग रही है, क्योंकि गाइज मैं बिना चप्पल जूते के यहाँ पर जो है आ गया हूँ, वैसे ही इतनी सर्दी है और मैंने चप्पल भी नहीं पहनी है। तो भाई साहब हम लोगों को तो इसके अंदर होने वाले हैं 24 घंटे हो ही गए हैं, अब हम जो है चेकआउट करने वाले हैं। जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर वाकई में जो है काफी शानदार रहा, और कहीं ना कहीं वो राजा महाराजा वाली जो फीलिंग है वो भी आई है, और साथ ही साथ में इसके अंदर जो रॉयल वाली लग्जरी वाली जो फील है वो चीज़ भी आई। हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन गाइज जो इसका एक दिन का रेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी है गाइज कि अभी ये हमको कंपैरेटिवली सस्ता ही मिल गया, नहीं तो यहाँ पर हमने बात करी है कि जब सही टाइम होता है, सीज़न होता है एक तरीके से, तो उस टाइम पर यही रूम जो है 7-8-10 लाख रुपए का भी हो जाता है एक दिन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, 24 घंटे भी हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज एक नई चीज़ देखी होगी। इंडिया का जो सबसे महंगा होटल रूम है वो हमने आपको दिखा दिया है। तो गाइस इस वीडियो के लिए अब आपका फ़र्ज बनता है कि लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना, और मैं मेरी बात करूँ तो गाइस कुछ ऐसा रहा है कि इतना मज़ा आज तक किसी चैलेंज में नहीं आया जितना जो है इसमें आया, और इतनी नई नई चीज़ें हमने आज देखी। वास्तव में राजस्थान का कल्चर, यहाँ के राजा महाराजा, और ये सब भी जो है कंटिन्यूसली दिमाग में घूमते रहे। रात को बढ़िया नींद आई, काफ़ी स्पेस है हमारे लिए हर जगह पर, तो कोई टेंशन भी नहीं थी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना गाइस, बस हमको अब आपका लाइक चाहिए वीडियो के लिए, ताकि हम ऐसे ही और चैलेंज वीडियोज वगैरह बना सके। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।
और गाइस जाते जाते हमने सोचा कि इसको भी जो है टेस्ट कर ही लेते हैं। चांदी की प्लेट है हमारे पास में, क्या बात है। इसके अंदर यार काफी वेट है और इसीलिए जो है ना एकदम ही सॉलिड सी लगती है। क्या बात है, क्या बात है गाइज। यार 24 घंटे कब निकल गए कुछ भी नहीं पता चला। तो गाइज हम लोग चेकआउट करने से पहले एक बार बाहर आ चुके, और आप लोग एक बार मेरे पीछे का नज़ारा देखिए यार, क्या रॉयल और क्या शानदार यहाँ पर जो महल है वो मेरे पीछे दिख रहा है। और यहाँ पर गाइज सबसे अच्छी बात यह कि ज़्यादा लोग भी नहीं है, तो वैसे भी बहुत शांति है और सब कुछ एकदम क्लीन, एकदम इस तरीके की ज़बरदस्त है। वहाँ पर तोप है, हम आपको तोप भी दिखाएंगे एक बार उधर चल के। चलो भाई साहब यहाँ पर ये तोप भी रखी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली महल के आसपास में सुरक्षा ज़रूरी है, तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर तोप रखी हुई है। और इसके अंदर भाई बिल्कुल एक छेद है, इसमें से गोला निकल के जाता होगा अगर कोई बिना बात हमला करता होगा तो।